So what is the equivalent fraction? That is important topic. इससे questions आते हैं, ठीक है? That is an important topic. What is the equivalent fraction? देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहले समझो, देन वी विल राइट इट्स डेफिनेशन. ठीक है, पहले हम इसे समझेंगे. मान लीजिए मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, मैंने कोई, आप कोई भी फ्रैक्शन इसमें ले सकते हैं. मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. आई आस्क यू या आई टोल्ड यू वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3. ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करो. चाहे वो आपको नंबर भी गिवन होंगे, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, कितने निकालने हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमें 3 निकालने हैं. फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन में आएगा. गिवन फ्रैक्शन के आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने. ठीक है, सो व्हाट इज द मेथड, हियर इज सॉल्यूशन. आपको क्या करना है, 2/3 को, 2/3 को उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि आपको 2/3 में जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर नीचे, वो नंबर सेम होना चाहिए. कैसे, जैसे मैंने 2 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, फिर मैंने 3 ले लिया, 3 3, क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है मेरी? यस. ओके, ठीक है. अनदर 2 × 4 3 × 4. ठीक है, 3 निकाल लेते हैं, हमने 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. पहला नंबर मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिरेटर में भी. सेकेंड, सेकेंड 3 को मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, थर्ड 4 को मल्टीप्लाई किया. कोई भी नंबर से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, यू टेक एनी नंबर. मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, आप अपनी मर्जी 6 लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, लेकिन जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर नीचे वो सेम होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट 2 × 2 4 अपॉन 3 × 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 6, 3 × 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 8 एंड 3 × 4 12. क्वेश्चन में गिवन था 3, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5, अगर मैं क्वेश्चन में गिवन कर दूँ कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट में, फोर्थ नंबर पे क्या कर दोगे, 2 × 5 3 × 5, एक और कर लो 2 × 6 3 × 6. ठीक है, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने का मेथड. फर्स्ट 2 × 2 3 × 2 4/6, पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6, सेकेंड 6/9, थर्ड 8/12. ठीक है, ये तीनों ही फ्रैक्शंस 4/6 6/9 एंड 8/12 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3. So the answer is here. We will write in the answer 4/6 6/9 and 8/12 is equivalent fractions of
टू बाई थ्री ऐसा लिखना है आपको आंसर में, ठीक है? समझ में आया मेथड पावन? यस मैम। ओके, वेरी सिंपल मेथड। जो भी फ्रैक्शंस गिवन हो उसके डिनोमिनेटर, उसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। कितने, जैसे थ्री थे तो मैंने थ्री नंबर्स निकाले, अगर आपको फोर गिवन हो तो फोर्स निकालिए, फाइव चाहिए तो फाइव चाहिए, फाइव निकालिए, ठीक है? सो दैट इज द मेथड ऑफ यस कौन सा, ये वाला? देखो सबसे पहले मैंने टू से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, फिर मैंने थ्री से किया, फिर मैंने फोर से किया। अगर आपको आगे करना है तो फाइव ले लो, सिक्स ले लो। मैंने सिर्फ तीन पूछे थे, फाइव थ्री, इसलिए मैंने तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए। अगर मैं कहूँ फाइव फाइंड आउट करना है, पांच नंबर आपको निकालने हैं, तो फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? मैंने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने टू से किया, थ्री से किया, फोर से किया, फाइव से किया। आप सिक्स से करो, एट से करो, नाइन से करो, ठीक है? आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। अच्छे से क्लियर है ना? देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। यस मैम। ओके पावन, दैट इज क्लियर? यस मैम। ओके मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको मुझे सॉल्यूशन बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही। लिखो, आपको मेथड समझ में आ गया ना, लिख लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें लिख लीजिए, मेथड में लिख लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ लिखो, मेथड ऐसा लिखो, मेथड फॉर योर हिंट, मेथड क्या मेथड है इसका, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए एन आर एंड डी आर, मल्टीप्लाई एन आर एंड डी आर एन आर एंड डी आर बाय सेम नंबर, बाय सेम नंबर, दैट इज द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? अच्छे से? यस मैम। ओके गुड। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूं मैं, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किया, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि मीनिंग क्या होता है इक्विवेलेंट का, मतलब क्या होता है बराबर, हिंदी में इसको बोलते हैं बराबर, ठीक है? इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इक्वल। तो अगर टू बाई थ्री का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने क्या निकाला, फोर बाई सिक्स, दूसरा मैंने फाइंड आउट किया सिक्स बाय नाइन, और तीसरा मैंने फाइंड आउट किया था एट अपॉन ट्वेल्व, ठीक है? ये फ्रैक्शन हमने अभी फाइंड आउट किए, ऐसे आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है? ऐसे आप लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा है। तो ये इक्विवेलेंट क्यों कहा गया, इसको क्यों कहा गया, देखो अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर ट्वेल्व। यहाँ पे मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, टू इंटू नाइन एटीन,
इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 12 24 एंड 3 इंटू 8 24। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब जगह इक्वल हो रहा है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर है ये, जस्ट फॉर योर नॉलेज, समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। श्रेया आपके पीछे वॉइस किसकी आ रही है? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, अगर दो फ्रैक्शंस आपको गिवन हो तो उसमें से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा वो हम इस मेथड में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखो लेट ए अपॉन बी, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, मान लीजिए कोई दो फ्रैक्शन है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू फ्रैक्शन मेरे मार्कर्स को क्या हो गया यार आर टू फ्रैक्शंस ठीक है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कोई टू फ्रैक्शंस है, देन A upon B, C upon D. C upon D बड़ा होगा A upon B से when इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई AD और CD, ब्रैकेट में लिख देना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, A upon B, C अपॉन डी कोई दो फ्रैक्शन है तो C अपॉन डी बड़ा होगा A अपॉन बी से, कब? जब उनका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो ए डी और ये हो जाएगा सी बी, ए डी सी बी, जब C और B का मल्टीप्लीकेशन A और D के मल्टीप्लीकेशन से क्या हो, बड़ा हो। अगेन आई रिपीट, गिवन टू फ्रैक्शन C अपॉन डी वाला फ्रैक्शन A अपॉन डी B से बड़ा होगा, कब? जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा AD और ये हो जाएगा CB, जब CB बड़ा हो AD से। ये चीज समझ में आई जो लिखी है वो? यस मैम। श्रेया पावन, मैं कह रही हूँ कि दो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो वो कैसे बड़ा होगा, जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई सी बी, तो जब सी बी, आप जब सी बी निकालते हो ना, वो सी बी बड़ा होना चाहिए ए डी से। एग्जाम्पल से समझो, ऐसे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए a अपॉन b है 3/4, ठीक है, आपको कोई फ्रैक्शन गिवन हो a अपॉन b 3/4 और c अपॉन d हो 5/6, ठीक है 5/6, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई,
a अपॉन b 3 बाय 4 है, इक्वल टू कर दो c अपॉन d 5 बाय 6, ये है a अपॉन b और ये हो जाएगा इक्वल नहीं आएगा सॉरी c अपॉन d, मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है a अपॉन b c अपॉन d, a अपॉन b 3 बाय 4 c अपॉन d 5 बाय 6, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 18 और 4 इंटू 5 20, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। श्रेया यस मैम। ओके अब बताओ 18 और 20 में कौन सा बड़ा है? 20 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अब 18 किसका मल्टीप्लिकेशन था आपको अगेन में समझाने के लिए यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में AD और ये हो जाएगा CB, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा CB। AD की वैल्यू क्या है 3 इंटू 6 18 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 20, ठीक है। सो AD की वैल्यू 18, CB की वैल्यू 20। अब 20 बड़ा है 18 से, 20 बड़ा है 18 से, कहने का मतलब क्या हुआ? AD इज ग्रेटर देन CB, यहां से देखो 18 छोटा है 20 से, या कहे कि 20 बड़ा है 18 से, दैट मींस कि CB बड़ा है AD से, वही मैंने लिखा है CB इज ग्रेटर देन AD, क्योंकि AD की वैल्यू क्या है 18 और CB की वैल्यू क्या है 20, सो CB इज ग्रेटर देन AD। याद है, समझ में आया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, समझ में आया? मैम AD है कि AB है? AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी बताया था ना, ये देखो दैट इज AB एंड CD, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या आएगा AD और ये हो जाएगा CD, यहां तक समझ में आया? यस मैम। अब मैंने वैल्यू रखो a अपॉन b था अब क्या यहाँ पे मैं आगे इसी के आगे कर रही हूँ 3 अपॉन 4, क्वेश्चन में देखो a अपॉन b की वैल्यू 3 बाय 4 और c अपॉन d की वैल्यू थी 5 बाय 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब करो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी AD और CB की 3 इंटू 6 18, ये किसकी वैल्यू है AD की, यानी AD की वैल्यू आ गई 18 और 4 इंटू 5 20, तो CB की वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आया है AD और CB, तो CB की वैल्यू क्या हो गई 20। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो मैम। ओके नाउ देखो 20 बड़ा है 18 से, तो मैं कह सकती हूँ 20 इज ग्रेटर देन 18। 18 क्या था? AD ग्रेटर देन 20 क्या था? CB। क्या किया है, ये जो क्वेश्चन गिवन था ना, जो हमने फाइंड आउट किया, अब हमने क्या देखा कि 20 बड़ा है 18 से, तो 20 किसकी वैल्यू थी CB की और 18 किसकी वैल्यू थी AD की, सो वी कैन राइट CB इज ग्रेटर देन AD। ये क्लियर है? यस मैम। पावन? यस मैम। क्लियर है ना अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है ना? श्रेया? श्रेया दैट इज क्लियर? मुझे ऐसा लग रहा है आपको शायद समझ में ना आया हो, यू हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके सो सीडी इज ग्रेटर देन एडी, जब आपका सीडी बड़ा होता है एडी से तो सी अपॉन डी वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा ए अपॉन बी से, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बाय 4, एक्चुअली मेरा मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, 3 बाय 4 ए अपॉन बी था आपका 3 बाय 4
यहाँ पे देखना इस पोर्शन में a अपॉन b था 3/4 और c अपॉन d था 5/6. सो अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन अगर c भी बड़ा है ए डी से तो c अपॉन d वाला ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा 3/4 से. ठीक है. सो सी डी इज ग्रेटर देन ए अपॉन बी. सो आप आंसर में लिख सकते हो 3/4 5/6. ठीक है. अब क्या करना है, c अपॉन d की वैल्यू क्या थी 5/6 इज ग्रेटर देन ए अपॉन बी. ए अपॉन बी क्या था 3/4. सो दैट इज हियर इज योर फाइनल आंसर. समझ में आया? यस मैम. श्रेया? यस मैम. कुछ नहीं किया है. यस मैम. हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली कि ये बड़ा है इससे. अगर ये बड़ा आ रहा है इससे तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा इससे a अपॉन बी से. ठीक है. अगर a अपॉन बी 3/4 था, c अपॉन डी 5/6 था, सो c अपॉन डी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा 3/4 से. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. अच्छा एक मुझे आप लोग फाइंड आउट करके बताओ क्विकली फास्ट. फ्रैक्शन है a अपॉन बी 3/8. आई थिंक टाइम रन आउट हो गया है. a अपॉन बी 3/8 और c अपॉन डी है 5/12. फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. a अपॉन बी है 3/8 और c अपॉन डी है 5/12. जो अभी मैंने किया वैसा ही है सेम. कौन सा बड़ा है? सीबी सी अपॉन डी. मैं फ्रैक्शन पूछ रही हूँ. सी अपॉन डी मैम. यस श्रेया आपका आंसर क्या है? यस सी अपॉन डी बड़ा है. ये आंसर होगा फाइनल 3/8. 5/12 इज ग्रेटर देन 3/8. दैट इज योर फाइनल आंसर. श्रेया आपका आंसर ये आ रहा है. आपने सही फाइंड आउट किया 40 इज. व्हाई नो? क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो गया 36. 12 × 3 36 और 8 × 5 40. 40 बड़ा है 36 से. यहां तक तो आपने किया ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से. श्रेया? यस मैम. यस मैम. ठीक है. ये क्या था एडी और ये क्या है सीबी. यानी कि सीबी बड़ा है एडी से. 40 बड़ा है 36 से. 36 क्या है a टू d का मल्टीप्लाई और 40 क्या है c टू b का मल्टीप्लाई. तो मैंने क्या बोला, अगर ये वाला चीज बड़ा है इससे तो अकॉर्डिंग टू गिवन मैंने अभी लिखाया a अपॉन b ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा इस वाले से. अभी लिखाया था कि नहीं लिखाया था? मैंने पूछा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. आई एम नॉट आस्किंग यू कि c भी बड़ा है कि a भी बड़ा है. ये तो मेथड है फाइंड आउट करने का. दैट इज द मेथड. आपको यहीं पे स्टॉप नहीं होना है. मैंने पूछा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. तो फ्रैक्शन बड़ा करने के लिए हमने ये चीज करी कि ये वाली चीज बड़ी है इससे. अगर ये चीज इससे बड़ी है, अगर सी भी बड़ा है ए डी से, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा इस वाले से. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. ए अपॉन बी क्या था 3/8 इज सी अपॉन डी क्या है 5/12. आई बात समझ में श्रेया? यस मैम. श्रेया स्पेशली फॉर यू. आई बात समझ में? यस मैम. आगे आंसर. ओके. मैं अभी कुछ क्वेश्चन इसके आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में, उसको सॉल्व करने की ट्राई करना. इसी का है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. और अगर उसका उल्टा कर दूँ मैं तो, अगर मैं आपको कल
यस मैम, आपको कल क्वेश्चन भेजा था ना, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? मुझे एक बार फिर से सेंड करना, नाइट में सेंड करना, अभी मत करना, ठीक है? ओके। अगर मैं इस चीज़ को, आई थिंक टाइम इज आउट, यस टाइम इज आउट, कल पढ़ेंगे। सो आज जो पढ़ा है उसको रिवाइंड करना, अपनी बुक में हो तो होगा ही 100%, आपके पास बुक है तो। क्वेश्चंस इसके मैं अभी सेंड आउट करूँगी, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के, ठीक है? ओके बाय। Have a nice day. Bye Shreya. Bye Pawan. Bye ma'am. Bye. Bye ma'am. Bye.